अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। चंद रोज कबल एक बड़े तालीमी इदारे, एक बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने का इत्तेफाक हुआ। बता चुका हूं हजार बार कि मैं नहायती घर घुसना टाइप का, नहायती कोई आइसोलेटेड किस्म का आदमी हूं। पब्लिक गैदरिंग्स में, किसी जगह, किसी इवेंट में, किसी जगह जाने से मुझे चिढ़ होती है। शोमिया किस्मत के एक बहुत अहम वजह के सबब मुझे वहाँ जाना ही पड़ा। आपका इंटरव्यू होगा, मरता क्या ना करता, बहरहाल अपने एक कज़न की दावत पर जाहिर है कि मुझे जाना था और मैं गया। गए वक्तों की यारियां भी आपसे क्या कुछ करवाती हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं एक मुसीबत मोल लेने के लिए जा रहा हूं, लेकिन बहर कैफ सवारी बादो बहार वहां तक पहुंची जहां का कज़्द था। गया, जाकर के बैठा, गपशप लगाई, चाय शाय पी। इस हसना में एक मौसूफा तशरीफ लाई, कहने लगी, सर चलें, स्टूडियो तैयार है। मैं उठा और खरामा खरामा उनके पीछे पीछे चल दिया। मुझे लगा शायद आप कोऑर्डिनेशन फरमाएंगी, एंकर शायद कोई मर्द खातून व्हाटएवर जो भी होगा, उससे जा करके पहले तो ये पूछना है कि भाई ये इंटरव्यू है किस सिलसिले में, क्या करना है। एक अंधेरे कमरे के बाहर जाकर के खड़े हुए और उन्होंने एक चपरासी को बुलाया, कहा कि लाइटें वाइटें जलाओ, एसी खोलो। मैं हैरानी से ये सब कुछ देख रहा हूँ कि यार ये क्या मजाक है। मैं हैरान था कि ये क्या मजाक हो रहा है। बिलीव यू मी, थोड़ी देर के बाद मुझ पर एक बिजली सी गिरी जब मुझे पता चला कि यही खातून मेरा इंटरव्यू लेने की अदाकारी करेंगी। मेरी चीखें निकल गईं। बहरकैफ भाग तो सकता नहीं था, मेरी आंखों के सामने स्टूडियो में यूं समझिए कि कैमरा, उसके कपड़े उतारे गए, उसको ऑन किया गया, लाइट्स ऑन की गईं। मैंने खातून से पूछा, मैंने कहा सफाई हो चुकी है यहाँ की या वो भी मेरे सामने ही होगी। उनके सर के ऊपर से बात गुजर गई, उनको पता ही नहीं चला बारात कहाँ जा रही है। अच्छा, कह लेंगे सर वो आपकी इब्तदाई जद्दोजहद के बारे में और आपकी अर्ली लाइफ, क्या आपने कैसे गुजारी, कैसे यहाँ तक पहुँचे, ये वो दिस दैट, बहुत ही बोरिंग था। अच्छा चलें शुरू करें। बातचीत का आगाज़ हुआ तो मुझे पता चला कि खातून अल्लाह का शुक्र बिल्कुल पैदल हैं। अल्लाह का एहसान हुआ कि उनका उकदा मुझ पर खुल गया, मगर मजबूरी के मेरे मोबाइल पर मैसेजेस जो आ रहे थे किसी के, उसमें फरमाइश थी कि बहरहाल खातून सवालात अपने तौर पर दागती रहीं और मैं उनको उठा उठा करके बाहर फेंकता रहा, कोई एक सवाल भी काम का नहीं था। ईमानदारी की बात तो ये, जिक्र आया मल्टी टैलेंटेड होने का। मैंने उनसे पूछा ये क्या चीज़ होती है। कहेंगे सर जैसे कोई एंकर कभी स्पोर्ट्स शो करता है, कभी कोई मज़हबी प्रोग्राम करता है, कभी कोई। मैंने उनसे कहा रुक जाइए एक मिनट, मैंने कहा मैं समझ गया हूँ आप किसकी बात कर रही हैं, आप उसे मल्टी टैलेंटेड कहती हैं, मैं इसे अहमक, जाहिल, ज़रूरतमंद कहता हूँ, साबित कीजिए कि मैं गलत कह रहा हूँ। वो बेचारी हवास बाख्ता हो गई, इंटरव्यू इधर उधर हो गया। उन्होंने पूछा कैसे सर, मैंने कहा एक आदमी को अपनी डेस्टिनेशन का ही नहीं पता, उसको पता ही नहीं कि मुझे चाहिए क्या, मुझे करना क्या है, मुझे स्पोर्ट्स शो करना है, मुझे करंट अफेयर्स प्रोग्राम करना है, मुझे खबरें पढ़नी है, मुझे नात पढ़नी है, मुझे मॉडलिंग करनी है, उसको नहीं मालूम। वो सब कुछ करता चला जा रहा है,
वो सब कुछ करता चला जा रहा है, क्योंकि बहरहाल उसे पे किया जा रहा है इन सब कामों के लिए। एक मंथली वेज जो आपको मिलती है उसके अगेंस्ट अगर आपको दो चार ठुमके मारने के लिए भी कह दिया जाए तो आप मारने पर मजबूर हैं। हालांकि जिस जगह वो साहब पहुंच चुके हैं वहाँ ऐसा होना तो नहीं चाहिए, अगर आप नजरियाती वो नजरियात किस्म का कोई मामला आपके साथ है, लेकिन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनकी ही क्या बात कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग हैं। एक एंकर ने पकड़ करके किसी को मार दिया, एक वजीर ने पकड़ करके एक एंकर को मार दिया। यहाँ तो सब कुछ हो रहा है, फ्री फॉर ऑल है, जिसका जो जी चाहे करे, किसने रोकना है, किसने टोकना है, कोई है पूछने वाला? नो सर, कोई नहीं पूछता। यहाँ कह लेंगे सर आपके साथ कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ? मैंने कहा बिल्कुल होने जा रहा था, मैंने वहीं रोक दिया इसलिए कि मुझे मेरी प्रायोरिटीज़ का पता था, मेरी तरजीहात का मुझे मालूम था कि मुझे करना क्या है। आप मुझसे कोई गेम शो होस्ट करने के लिए कहें, मैं कैसे कर दूंगा, मेरा काम ही नहीं है, गेम से मेरा ताल्लुक क्या है? मैं तो पॉलिटिकल गेम जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, मैं तो उसके हवाले से ऑब्जर्वर हूं एक उसका, मुझे गेम में इनसे क्या लेने देना। ऐसा तो नहीं है कि मैं वो जमीन लेकर के चलता हूं उम्र यार की, जिसमें घाघरा भी है, गमछा भी है और बहुत सारी चीजें हैं। आप मुझे घाघरा पहनने के लिए कहें, ठुमके लगाने के लिए कहें, मैं घाघरा पहन करके ठुमका मार दूं। आप मुझे अपना गेटअप चेंज करके और कोई अदाकारी करने के लिए कोई सीन दे दें, मैं वो कर दूं। चलेंगे सर कामयाबी आपके नज़दीक क्या है? मैंने कहा कामयाबी इन सब हरकतों को छोड़ करके बहुत कुछ है। दो चार लोग आपको इज्जत से याद कर लेते हो, आप किसी के काम आ जाते हो, कामयाबी ये भी है। कामयाबी ये भी है कि आप यहां से बैठ करके किसी बच्ची के इलाज के लिए कोई सदा लगाएं और अल्लाह बहुत सारे लोगों को उस बच्ची का हमसफर हमनवा कर दे, उस बच्ची के अकाउंट में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला वो पैसे पोर इन होने लगे जिससे उसके इलाज की जानिब कदम बढ़ाएगा कोई, मेरे नजदीक तो ये भी कामयाबी है। कहेंगे सर कभी आप पर कोई अटेम्प्ट हुआ? मैंने कहा आपको इसका मतलब, फिर मैंने उनको वहीं शहरत से पकड़ लिया, मैंने कहा इसका मतलब है कि आपको ये पता ही नहीं कि मेरा प्रोफाइल क्या है। उस वक्त तो वो बात जाहिर है कि बना गई, बिलीव यू मी, इंटरव्यू के बाद जब उनसे मेरी गुफ्तगू हुई तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा दिस शोज योर प्रोफेशनलिज्म। कह लेंगे नहीं सर यहाँ से जाने के बाद मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। मैं हैरान परेशान उनकी शक्ल देख रहा था। मैंने कहा खातून एंकर का काम सिर्फ लाली सुर्खी पाउडर लगा करके बैठ करके और टेंटे टेंटे बतियाना नहीं होता, उसका काम सिर्फ रटे रटाए सवालात करके लोगों को बोर, लोगों को जहन्नम में डालें। वो जो इंटरव्यू ही है जिसका आप इंटरव्यू लेने की अदाकारी कर रहे हैं उसको कितनी कोफ्त से गुजरना पड़ रहा होगा। प्रोग्राम एंकर और न्यूज एंकर का फर्क तक अगर आपको नहीं पता, प्रोग्राम एंकर उसका नॉलेज, किताबें उसकी दोस्त होनी चाहिए, उसका मुताला वसी होना चाहिए। न्यूज एंकर का अगर प्रॉम्प्टर बंद हो गया तो वो बर्बाद है, चाहे जितना बड़ा आदमी भी है, जितना बड़ा आदमी भी है, चंद एक्सेप्शंस को छोड़ के। इस मुल्क का एक इतना बड़ा एंकर, न्यूज एंकर, बहुत नीचे से सीढ़ियां चढ़कर के आया हूं। मैंने उनकी मैया मरते हुए देखी है प्रॉम्प्टर के बंद होने के बाद। मैंने उनकी, जिसको कहते हैं ना, अब मैं क्या कहूं, और ऐसा एक दो वाकयात नहीं है। यहां कितने चैनल्स ने न्यूज एंकर्स को उठा करके और वो प्रोग्राम एंकर बनाया, सिर्फ इसलिए कि वो खातून है, लाली पाउडर लगा करके और बैठ करके वो अच्छी बात कर लेती है, पटर पटर बेसिकली कर लेती है। आप तजुर्बा कर लीजिए, तजुर्बा करने में तो कोई आर नहीं है, लेकिन उस प्रोग्राम का रिजल्ट वही होगा जो आप समझ सकते हैं। गोया मीडिया में भी अब ताल्लुकात अहमियत इख्तियार कर गए, हमेशा से थे, अब कुछ ज्यादा हो गया है। उसी बेचारे एंकर का आज मैं पढ़ रहा था कि उससे पूछा गया कि आपको कभी किसी ने धमकी वगैरह दी है। मैं हैरान हो गया, खुदा की कसम, वो कह रहा है कि जी हां मुझे और मेरे खानदान को कभी कभी मासूमाना धमकियां मिलती हैं। वो आदमी जो मासूमाना सवालात के नाम पर जाहिलाना हरकतें कर करके यहां तक पहुंचा है, वो कह रहा है कि उसके खानदान को, अबे भाई तूने कौन सा ऐसा खतरनाक प्रोग्राम कर लिया, तूने कौन सा ऐसा खतरनाक काम कर लिया, मुझे बता। हाँ ये बात ठीक है कि तालिबान ने तुम्हें ठोकने की उस वक्त ऑफर की थी कि जिस वक्त तालिबान का उरूज था,
और वो भी इसलिए कि तुम्हारा एक खास मसलक से ताल्लुक है, वरना तुमने ऐसा कुछ नहीं उगाड़ा अपने ट्रेड में। ईमानदारी की बात है, ईमान की बात है। वो आदमी कह रहा है मुझे मासूमाना धमकियां मिली, तो मैं तो फिर फारिग हो गया। फिर इसका मतलब है मेरे साथ तो वो गुल्ली डंडा खेलने के लिए आए थे लोग। अल्लाह माफ करे माजल्ला, तो बस तफर अपने मुंह से मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन जिस कदर पंगे मैंने लिए हैं जितने लोगों की दस्तार, अल्लाह माफ करे माजल्ला तो बस तफर, उसका भेद अल्लाह ने मुझसे खुलवाया है। जितने बड़े बड़े टॉप के फिरौन हैं और वो बैठ करके वहां ये फुल टॉस, ये लो बाउंड्री के बाहर, और वो कह रहा है मुझ पर मासूमाना। ये वीडियो अगर जारी रही तो मेरा ख्याल है कि मैं कुछ पटरी से ना उतर जाऊं, ऑल फॉल ना बक जाऊं। कल इंशाल्लाह मिलते हैं, फी अमान अल्लाह।